जी हाँ, 5 मिनट के अंदर 5 टिप्स एंड ट्रिक्स TDM 2 vs 2 में आप लोगों को देने वाला हूँ मिथवॉकर। जो नंबर 4 एंड नंबर 5 टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, वो तो एकदम खतरनाक है, सुन के ही जाना। काफी सारे मिथवॉकर का जो डिमांड था कि मैं TDM सही से खेल नहीं पा रहा हूँ, मेरे को टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो चाहिए, तो टाइटल थंबनेल को देखकर अगर क्लिक कर दिए हो तो पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स देखते जाना बस 5 मिनट के। जी हाँ मिथवॉकर, बिल्कुल 5 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूंगा ना, जो कि आज से पहले आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी। हाँ मिथवॉकर, इस टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर आप लोग फॉलो कर लेते हो ना, तो 2 vs 2 मिनी TDM में आप लोग एकदम प्रो बन जाओगे। तो फटाफट वीडियो कर लेते हैं मिथवॉकर स्टार्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी लोग चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्यूचर में आप लोगों के लिए लाइव स्ट्रीम और गिव अवेज वगैरह करने वाला हूं। तो स्टेप नंबर 1 यानी कि आप लोगों का टिप एंड ट्रिक नंबर 1, यहां पर आप लोग ध्यान देना, सेलेक्ट योर ओन गन। आप लोग को पता होगा कि जब भी आप लोग 2 vs 2 में आते होगे तो आप लोगों को काफी सारे गन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो आपका जो गन है, आप लोग जिस गन में बेस्ट हो वही गन आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर टेम्पेस्ट को सिलेक्ट कर लिया हूँ, और टेम्पेस्ट लेने के बाद मैं अपोनेंट इनिमी को एकदम शानदार तरीके से और एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम नमक मिर्च लगा करके आप लोग के सामने यहाँ पर टेम्पेस्ट से बंदों की खात्मा कर दिया हूँ। तो सेलेक्ट योर ओन गन मिथवॉकर। ऐसा नहीं कि आप टेम्पेस्ट चलाना आपको अच्छा आता है और आप इमरजेंसी में या फिर आप लोग अपनी गलती के कारण ले ले रहे हो VFURY, आप लोग ले ले रहे हो जजमेंट, तो ये गलती है ना। आपको अपना गन्स को सिलेक्ट करके ही रखना है। चलते अपने स्टेप नंबर 2 पे। तो स्टेप नंबर 2 अपना TDM का ये कहता है मिथवॉकर, यूज बैक फाइट एंड फ्रंट फाइट। अभी देखो लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है। देखो मेरा एक फ्रेंड है, वो आगे है, मैं उसको बैक फाइट कवर दे रहा हूँ, देखे और मैं इसको भी मार दूंगा, ठीक है। बैक फाइट मैं इसको मारा। अगर कभी कभी अगर आपका फ्रेंड पीछे, आप लोग फ्रंट फाइट लेना चाहते हो तो फ्रंट फाइट ले सकते हो सिचुएशन के हिसाब से। एक बार स्लो मोशन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो मेरा दोस्त वहाँ पे फाइट ले रहा था और मैं इसको पीछे से मार दिया, देखे बैक फाइट में इसको मार दिया, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फ्रंट फाइट हो रहा है और मेरा पार्टी उधर से आ रहा है। तो कभी कभी आपको बैक फाइट लेना होगा, कभी कभी आपको फ्रंट फाइट लेना होगा। इतना ही नहीं गाइज, कभी कभी आपको 1 vs 1 भी लेना होगा। कहीं आपका जो मित्र है, कहीं आपका वो बंधु है, वो सब अगर आपका मर जाता है गेम में, तो आपको तो 1 vs 1 तो लेना ही ना होगा। तो 1 vs 1 अगर आप लोग नहीं ले पा रहे हो तो ये तो गलती चीज़ है ना। अब इसको कैसे ठीक करना है, अभी इसी वीडियो में मैं आपको क्लियर करता हूँ। लेकिन अभी हम लोग जल्द चलेंगे अपने सबसे ब्रह्मास्त्र, सबसे फेवरेट टिप एंड ट्रिक नंबर 4 और 5 पे जल्दी चलेंगे। यहाँ पे देख रहे हो ना, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि आपको 1 vs 1 निकालना ही पड़ेगा जीतने के लिए। अगर नहीं निकालते हो तो हार जाओगे आप लोग। तो इस चीज़ को ठीक करो ट्रेनिंग करके। ट्रेनिंग वाली वीडियो दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, लिंक है, देख लेना। टिप एंड ट्रिक नंबर चलते 3 पे, जो कि कहता है स्किल गेम प्ले एंड क्लचेस। देखना यहाँ पे, अभी आप लोग मेरा स्किल देखना, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अभी जाऊँगा, इसको जंप करूँगा और जंप करके मैं इसको मार दूंगा, ठीक है। देखिए अभी मैं इसको जंप किया, थोड़ा सा स्लाइड किया और मार दिया, और इसको देखना मैं इसको कैसे मारूंगा। एकदम सीटअप मारूंगा, जैसे BGMI में मारा जाता है। देखिए सीटअप मारा, अगर मैं खड़ा होकर इसको मारता ना तो ये बंदा मेरे को मार देता। तो स्किल गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा काम आती है 2 vs 2 मिनी TDM में। अपने फेवरेट टिप नंबर टिप पे 4 पे चलते हैं, कवर टू कवर विथ ADS। अब देखना यहाँ पे जो मेरा फ्रेंड है ना, मैं अपने फ्रेंड को 5 सेकंड के लिए भी अलग नहीं होने दूंगा। मैं अलग नहीं होने दूंगा, वो भले ही अलग हो, लेकिन मैं उसके चुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह मैं उसके चिपक के रहूँगा बस 5 से 10 मीटर के अंदर। देखो 3 मीटर के अंदर, 5 मीटर के अंदर, और यहाँ पे देखना मैं उसको छोड़ ही नहीं रहा हूँ, मैं अपने टीममेट को छोड़ ही नहीं रहा हूँ, और मैं उसको अपने ADS पे रख रहा हूँ। वो मेरे को अपने ADS पे नहीं है और वो मेरे को छोड़ चुका है, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कवर टू कवर विथ ADS फाइट खेलना है ना। इसीलिए बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि टिप एंड ट्रिक नंबर 4 और 5 एकदम जबरदस्त है, सुन के ही जाना। देखो वो मर गया, मर गया, जल्दी से मैं उसके पीछे भागा और मैं उसके साथ रहा। अगर मैं नहीं रहता ना तो अपना टीम हार सकता था। तो इस चीज़ का आप लोग गौर करना, कवर टू कवर फाइट विथ ADS अपने टीममेट के साथ छोड़ना नहीं। मिनी TDM है, कितना देर लगेगा, एकदम तुरंत गन को एक्सचेंज करोगे और तुम उसके पास पहुंच जाओगे। देखो यहाँ पे मैं इसको अपने ADS पे छोड़ ही नहीं रहा हूँ, और बंदे को भी मैं मार दे रहा हूँ। मेरा भी डैमेज पड़ रहा है, कभी वो मार दे रहा है, कभी मैं डैमेज दे रहा हूँ तो कभी मैं मार दे रहा हूँ, कभी वो डैमेज दे रहा है तो मैं मार दे रहा हूँ। मतलब देख रहे हो ना, पूरी तरीके से अपने फ्रेंड के साथ, अपना टीममेट के साथ एकदम मस्त कवर टू कवर खेल रहे हैं हम लोग। ओके, अपोनेंट इनमी का नज़र उधर है, तो आप लोग पीछे से कवर फाइट, बैक फाइट दे सकते हो एकदम मस्त तरीके से। देखे तो इसीलिए कह रहा हूँ आप लोगों को, अपने फ्रेंड को छोड़ना नहीं है, अपने ADS पे रखना है अपने फ्रेंड को, और हम लोग यहाँ पे विक्ट्री कर लिए। अब चलते अपने टिप एंड ट्रिक नंबर 5 पे, प्ले विथ विक्ट्री। आज पता है क्या हुआ, मेरा स्क्वाड का बंदा बोला कि हम TDM सिर्फ जीतने के लिए खेलते हैं। बहुत अच्छा माइंडसेट था भाई, बहुत अच्छा माइंडसेट था। आप TDM खेल क्यों रहे हो भाई, आप TDM खेल क्यों रहे हो, जीतने के लिए खेल रहे हो ना कि मुजरा करने के लिए। बिल्कुल सही बोला था मेरा टीममेट। तो ऐसे ही माइंडसेट के साथ आपको भी खेलना होगा, प्ले फॉर विक्ट्री।
प्ले फॉर विन। अब बोलोगे कि भाई सब तो जीतने के लिए खेल, नहीं ऐसा नहीं है, कोई कोई बंदा बस एंटरटेन के लिए खेलता है, लेकिन अगर आप जीतने के लिए खेल रहे हो तो आप जीतोगे। तो ऐसे देखो मैं जीत भी गया, मैं विक्ट्री मार लिया भाई लोग। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है ना, अगर इन्फॉर्मेशन लगी है, नॉलेजेबल लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना। मिलते हैं धमाकेदार इन दिस बैटल रॉयल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।